से ठगी। शासकीय विभाग में किराए पर लगाने का झांसा देकर दो गाड़ियां हड़पी। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए भोपाल की विशेष बड़ी खबर। सरकारी विभागों में मासिक किराए पर कार लगाने का झांसा देकर गाड़ियां हड़प लेने के मामले राजधानी में थम नहीं रहे हैं। इसी क्रम में कोलार थाना क्षेत्र में भी दो कार गायब कर देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक शिकायत कोलार थाना पुलिस में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोलार थाना पुलिस के मुताबिक सचिन पुत्र रमेश कुमार बाथम कोलार रोड स्थित फाइन एवेन्यू में रहते हैं। उनके पास दो लग्जरी कारें थी। सचिन ने बताया कि उनके भाई रंजीत बाथम उर्फ पिंटू ने बताया था कि कोटार के शासकीय आवास में रहने वाले अभिजीत सिंह राजपूत की सरकारी विभागों में अच्छी पहुंच है। वह महंगे मासिक किराए पर निजी गाड़ियां किराए पर लगवाता है। भाई के कहने पर उसने बकायदा अभिजीत के साथ अनुबंध कर अपनी एक कार अभिजीत को सौंप दी थी। कार का मासिक किराया 18,500 रुपए तय हुआ था। सचिन ने बताया कि उसकी दूसरी कार घर की पार्किंग में खड़ी थी। जरूरी काम आने पर वह अक्टूबर में एक माह के लिए शहर से बाहर चला गया था। 27 नवंबर 2021 को वह वापस घर लौटा तो देखा कि घर की पार्किंग से कार गायब है। कार उसने अपने बड़े भाई रंजीत उर्फ पिंटू को देख रेख में छोड़ी थी। उसने रंजीत से कार के बारे में पूछताछ की तो पहले वह गोलमाल जवाब देता रहा। इसके बाद बोला कि दूसरी कार भी अभिजीत के साथ अनुबंध कर सरकारी विभाग में किराए पर लगा दी है। उसका मासिक किराया भी 18,500 रुपए तय हुआ है। सचिन ने पुलिस को बताया कि अनुबंध के बाद उसकी दोनों कारों का किराया नहीं दिया जा रहा है। कार कहाँ है इसके बारे में भी न तो अभिजीत कुछ बता रहा है और न ही उसका भाई रंजीत कोई संतोषजनक जवाब दे रहा है। सचिन का कहना है कि रंजीत ने अभिजीत के साथ मिलकर उसकी दोनों कारें बेच दी हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि शहर के विभिन्न थानों में सरकारी विभागों में गाड़ियां लगाने का झांसा देकर कीमती कारें हड़पने के लगभग एक दर्जन केस दर्ज हो चुके हैं। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।